हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आज हम सभी उन्हीं उन कृषि अनुसंधान संस्थानों के बारे में विषय में जानेंगे जो विदेशों में अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं और जो विदेशों में जो है गरीबी दूर करने का कार्य कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो छात्र जो है यूपी कैटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी है। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पर परामर्शात्मक सम, उसके विषय में हम जाने। तो जो आपका जो है जो ये CGIAR है, इसका जो है पूरा नाम है वो है कंसल्टेंटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च। और यह इंस्टीट्यूट जो है कार्य कर रहे हैं और इसके अंदर जो है करीब जो है 16 कृषि अनुसंधान संस्थान है जो विभिन्न विदेशों में जो है कार्य कर रहे हैं, रिसर्च का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है जानेंगे इनके विषय में। तो ये जो है आपका जो है जो इंस्टीट्यूट है ये CGIAR की स्थापना जो है 19 मई 1971 को गरीबी को कम करने के लिए और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयासों के समन्वय के लिए की गई। और इस संगठन में जो है 16 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो देशों में जो है विदेशों में कृषि अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है, तो ये सभी इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं इनके विषय में हम जानेंगे। तो पहला है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो 1960 में स्थापित किया गया और ये जो है मनीला फिलीपींस में, जिसे IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और 1960 में जो है ये स्थापित किया गया और मनीला फिलीपींस में। इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र जो आपका जो है 1971 में जो है से कार्य कर रहा है। और वैसे तो जो है शुरुआत इसकी जो है 1940 से लेकर 1950 में हो गई थी, लेकिन इसको जो है एक सही रूप से वर्किंग के लिए जो है ये 1971 में स्थापित हुआ और इसको जो है सिमिट के नाम से जो है जाना जाता है, CYMMYT। और ये जो है मेक्सिको में स्थित है और इसको जो है इंटरनेशनल, जो इंग्लिश में यदि इसका नाम जाने तो इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर के नाम से जानते हैं। और वह जो सीमिट है ये शब्द है ये जो है आपका जो है स्पेनिश उच्चारण है, जिस सेंट्रो इंटरनेशनल डी मिजोरमिंटो डी मेज वाइटरगो के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका जो है जो संस्थान है इसी के अंतर्गत जो है CGIAR के अंतर्गत वह है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, जो CIP के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है आपका जो है इंटरनेशनल पटेटो सेंटर, ये 1971 में स्थापित हुआ लीमा में, पेरू में। तो ये कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट जो आपका जो है जो रिसर्च स्टेशन है वो है वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन। और यह जो है आपका जो है 1970 में जो है स्थापित हुआ और कोटे डी आइवेरी,
है आपके भू के कोटे डी आईवरी, ये वर्धा, वर्धा के नाम से जो है हम इसको जो है जानते हैं, वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन, वर्धा ये आपका जो है वेस्ट अफ्रीका राइस डेवलपमेंट एसोसिएशन 1970 में जो है भू के कोटे डी आईवरी। और नेक्स्ट जो आपका जो इंस्टीट्यूट है अंतरराष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान 1974 रोम इटली, और जिसको जो है इंग्लिश में जो है इसका IPGRI, और ये आपका इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट 1974 रोम इटली में जो है स्थापित हुआ 1974 में। तो नेक्स्ट जो है हम जानेंगे आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका जो है जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका जो है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जहाँ पे जो है बरसात बहुत कम होती है ना के बराबर होती है, उन क्षेत्रों के लिए कार्य करता है, और इसको इक्रीसैट, इक्रीसैट के नाम से जाना जाता है इसको, ये काफी पूछा जाता है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और इसकी स्थापना जो है 1972 में हैदराबाद तेलंगाना में, जो आजकल तेलंगाना में है, हैदराबाद इंडिया में ही है, और यह संस्थान जो है इक्रीसैट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज, है जो आपके जो है शुष्क क्षेत्र है जहाँ पे जो है बरसात बहुत कम होती है, तो उनके लिए कार्य कर रहा है ये इकार्डा, इकार्डा के नाम से जानते हैं इसको जो है, ये जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज 1977, ये बेरूत लेबनान में है, बेरूत लेबनान, और ड्राई एरियाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका जो है अंतरराष्ट्रीय उष्ण कृषि केंद्र, ये आपका जो है 1967 में काली कोलंबिया में जो है स्थापित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण जो CAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। अब ट्रॉपिकल किसे कहते हैं भाई, ट्रॉपिक जो है जो ककर रेखा और मकर रेखा है, विश्व जो आपका जो विषुवत रेखा के जो है आसपास का जो क्षेत्र है वो सभी जो है आपका ट्रॉपिकल, यहाँ पे जो है बरसात भी अधिक होती है और जो है आपका टेम्परेचर अधिक, तो ये आपका जो है 1967 में जो है काली कोलंबिया में है। और नेक्स्ट आपका जो स्टेशन है वो है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर या भी जो है इबादान आपका जो है नाइजीरिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये आपका जो है ईटा IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर 1967 इबादान नाइजीरिया में है। और नेक्स्ट है आपका जो है इंस्टीट्यूट है वो है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, जिसे जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं, और ये 1978 में स्थापित हुआ नैरोबी कीनिया में, नैरोबी कीनिया में, ये आपका जो है पूछा जाता है काफी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री 1978 नैरोबी कीनिया में। तो ये जो है आपका जो है नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र केंद्र 1993 बोगोर इंडोनेशिया में जो है ये स्थापित किया गया। और ये C4 के नाम से जानते हैं इसको, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च 1993 बोगोर इंडोनेशिया में। नेक्स्ट स्टेशन है आपका जो है रिसर्च स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, ये भी जो है काफी पूछा जाता है, और ये जो है 1985 में जो है कोलंबो श्रीलंका में स्थापित किया गया, जिससे जो है आपका IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं।
और नेक्स्ट है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान, जिसे 1985 में नैरोबी कीनिया में है, ये भी कीनिया में है, जिसे ILRI इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट 1994 नैरोबी कीनिया में अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान, ये भी आ जाता है एग्जाम में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर लिविंग एक्वेटिक रिसोर्सेज, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर लिविंग एक्वेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका जो है 1975 मनीला फिलीपींस में, राइट, फिलीपींस में स्थापित किया गया, जिसे ICLARM इंटरनेशनल सेंटर फॉर लिविंग एक्वेटिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट 1975 मनीला फिलीपींस में जो है स्थापित किया गया। नेक्स्ट है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, और यह जो है आपका जो है 1975 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में जो है स्थापित किया गया, ये से इफरी आपका IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1975 वाशिंगटन डीसी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इंटरनेशनल नेक्स्ट है आपका जो है लास्ट है इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च 1979 द हेग नीदरलैंड में है, और ये पर जाए ISNAR इंटरनेशनल सर्विस फॉर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च 1979 द हेग। यदि आपने अभी तक इस चैनल को अपने सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपकी जो इसकी जो PDF आपके लिए अवेलेबल होंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपको जो है आशा है कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको जो है वीडियो देखने के लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।